नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीट्यूब न्यूज। खबरें औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद की खबरें। तो आइए आज के हमारे इस सेगमेंट में देखिए कुछ खबरें औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद जिले की। हम हाजिर हैं आज औरंगाबाद से जुड़ी कुछ अलग, कुछ खास, अपनापन, जमीनी और दिलचस्प खबरों के इस बुलेटिन के साथ। मौसम का मिजाज, जिले में हीट वेव का अलर्ट, लू का कहर, पारा 43 डिग्री पार। एक्शन में औरंगाबाद पुलिस, कुल गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अभियुक्तों की संख्या 36, वाहन जांच में 36,000 से अधिक राजस्व वसूली, कई कांडों में जब्ती भी हुई। औरंगाबाद सिविल कोर्ट एवं दाऊदनगर अनुमंडलीय कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 12 बेंचों का किया गया गठन, 1600 से ज्यादा मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया। Welcome all on the occasion of second National Lok Adalat for the year 2023. To begin the function formally, I will request all the dignitaries on the dais to kindly light the ceremonial lamp. औरंगाबाद मुफसिल थाना क्षेत्र के तिताई बीघा समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवक घायल, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। औरंगाबाद मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावां राजकीय मध्य विद्यालय समीप तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पलटी, पति पत्नी समेत तीन जख्मी, सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद सीबीएसई इंटरमीडिएट के रिजल्ट में सचदेवा कॉमर्स के छात्र छात्राओं ने अपना परचम लहराया है। छात्रा रागनी भारद्वाज, आयुषी सिन्हा ने 90% से ज्यादा अंक हासिल किए, तो साथ ही संस्थान के 20 छात्र छात्राओं ने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। औरंगाबाद सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 10वीं एवं 12वीं के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर जिले का नाम किया है रोशन। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कल रात्रि विशेष समकालीन अभियान के तहत आर्म्स एक्ट एवं उत्पादन में कई कांडों में फरार कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। औरंगाबाद जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 14 मई को केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा आयोजित होने वाली मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा में कर्तव्य पर तैनात किए गए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ जिला के योजना भवन में ब्रीफिंग बैठक की गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मद्य निषेध अभियान निरंतर जारी है। जिले के देव थाना द्वारा मद निषेध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 130 लीटर देसी महुआ शराब एवं एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया। औरंगाबाद माली थाना क्षेत्र के पटियावा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को रौंदा, साला बहनोई की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, औरंगाबाद में मनी खुशियां। अपनी पार्टी की जीत में देखिए क्या कुछ कहते हैं सदर विधायक आनंद शंकर। आज कर्नाटक के चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ है और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने, आम आवाम ने, जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत दिया। सिर्फ गांव की तस्वीर ही नहीं, देखिए जरा शहर नगर की झलक भी। तो आज हम हाजिर हैं औरंगाबाद के जगजीवन नगर की कुछ खास तस्वीरों के साथ। तो आइए देखते हैं जगजीवन नगर को कैमरे की नजर से। अब हमें दीजिए इजाजत और हर दिन देखना ना भूलें औरंगाबाद से जुड़ा कुछ अलग, कुछ खास न्यूज का बुलेटिन, खबरें औरंगाबाद।